दोस्तों, अगर ये प्यारा सा फूलों वाला पौधा आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं किया हुआ है तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और इसमें हमेशा देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग रहती है। समय के हिसाब से इसमें अगर मौसम बदलाव होता है तो कभी कम और कभी ज़्यादा फ्लावरिंग होते रहती है, पर हमेशा इसमें फूल खिले रहते हैं। देखिए मेरे पौधे में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अभी नई नई कलियाँ भी बन रही हैं। अगर आप भी इसको अपने गार्डन में लगाते हैं और उसकी केयर कैसे करनी है वो मेरी वीडियो में आप आगे को देखिए, मैं सभी इसमें बताऊँगी कि इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है और इसकी केयर कैसे करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता जोशी अपने यूट्यूब चैनल कब्बू टेरेस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जेरेनियम के पौधे के बारे में बात कर रही हूँ कि इस पौधे को आप किस तरह से लगाएंगे तो जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पाएंगे। तो इसके लिए मैं देखिए दोस्तों, मेरे पास ये दो वैरायटी हैं। एक ये मेरे पास देसी वैरायटी का पौधा है जो कि मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया हुआ है, और इसी में मेरे पास एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि मैं नर्सरी से लेके आई हुई हूँ। और इनको आप कैसे लगाएं और किस तरह से इसको आप केयर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं पॉट की। अगर दोस्तों आप ये हाइब्रिड वैरायटी का जो पौधा है इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बहुत अधिक बड़ा गमला ना भी लें तो भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग आएगी। इसके लिए आप 8 से 10 इंच के लगभग का गमला ले लेंगे तो ये अच्छा उसमें ग्रोथ करेगा। और अगर आप इसी तरह से आप देसी वैरायटी का पौधा लगाते हैं तो उसको आप जितने बड़े पॉट में लगाएंगे वो उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा बड़ा साइज़ में बड़ा भी होता है। आप ये देख सकते हैं ये पौधा मेरा कितना फैल चुका है और इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। पौधा जब भी हम लगाते हैं उसमें सबसे पहली बात आती है मिट्टी की, हम मिट्टी उसमें कैसे बनाएं और उसमें कैसी मिट्टी हमने बनानी चाहिए। तो इस पौधे के लिए सबसे पहले मिट्टी हमने बनानी है, ऐसी मिट्टी बनानी है जो बिल्कुल वेल्डन मिट्टी हो, जिसमें कि पानी हमारा ना रुके। उसके लिए आप मिट्टी में या तो रेता मिलाएं और या फिर कोकोपीट मिलाएं, क्योंकि ये चीज़ मिलाने से क्या होता है, मिट्टी में जो है पानी बहुत जल्दी रुकता नहीं है। अगर हमारा पानी ज़्यादा रुकेगा इसमें तो हमारा पौधा ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसमें से कोई भी एक चीज़ मिलाएं। उसके बाद आप जब मिट्टी तैयार करते हैं इसमें गोबर की खाद भी ज़रूर मिलाएं, और अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट जो भी खाद तैयार करते हैं वो आप इसमें मिलाएंगे तो आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी अच्छी बनेगी, जिससे कि आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखिए मैंने भी पौधे की मिट्टी मेरी कितनी अच्छी बरबरी हो रही है और इसमें पानी की मात्रा भी बिल्कुल कम है, बस हल्का मॉइस्चर बना होना चाहिए, इस पौधे में इतना पानी चाहिए। इसी तरह से आप भी इसकी मिट्टी तैयार करें। इस पौधे की एक कमजोरी कहें हम कि इसमें जो है अगर हम पानी की मात्रा बहुत अधिक कर देंगे तो उससे भी ये पौधा हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कई लोगों की परेशानियां होती है कि हमारा पौधा ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हम इसको लगाते हैं एक बार तो ये फ्लावरिंग करता है उसके बाद इसमें फंगस की शिकायत आ जाती है जिससे कि ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि अगर इसमें हम पानी की मात्रा बहुत अधिक करते हैं तो इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। इसकी आप देखेंगे इसका जो शाखा होती है, जो नीचे से तना होता है, ये एकदम से काला काला पड़ने लग जाता है और धीरे धीरे इसमें फंगस लग जाता है। तो इसलिए आप इसमें पानी की मात्रा बहुत कम करें, बस इतना करें जिससे कि इसमें हल्का मॉइस्चर बना रहे। अगर आप इसको हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा आपने इसकी एक केयर और करनी है, जैसे कि जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तब भी इसको आप बस सुबह की धूप दिखाएं, उसके बाद आप इसको छाया वाली जगह पर रख दें, और या फिर जब बहुत अधिक ठंड हो जाती है तो जब वो पाला पड़ता है उससे भी ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस आपने उस समय भी इसको थोड़ा पाले से बचाना है और धूप से, अधिक धूप से भी बचाएंगे तो आपका पौधा ये सालों साल टिका रहेगा। अब बात करते हैं इस पौधे को हम कैसे ग्रो करें। दोस्तों, अगर ये हाइब्रिड का जो पौधा है इसको आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसके लिए तो आप अपने घर पे जब आप लगाते हैं इसको टेरेस में अपने, तो इसके लिए बस मिट्टी आप अच्छी तैयार करें तो ये आपका ग्रो कर जाएगा। दूसरा, ये पौधा जो है ये बीज के द्वारा ग्रो होता है, इसको आप बीज के द्वारा, जैसे फूल ये सूख चुके हैं उसके बाद आप ये बीज के द्वारा इसको तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है ये देसी वेराइटी का पौधा, देसी वेराइटी का पौधा कटिंग के द्वारा भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया हुआ है और अभी मैंने कुछ कटिंग इसकी तैयार भी कर रखी है जो कि मैं नए पौधे तैयार करूंगी, अभी वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसकी कटिंग के द्वारा इसको आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये जो देसी वैरायटी का पौधा है इसकी मैंने देखिए कटिंग जो है ग्रो करी हुई है
और ये कटिंग मैंने सीधे पानी में ग्रो कर रखी है। इसी तरह से अगर आप भी इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो देखिए कितनी इसमें कितनी बड़ी बड़ी रूट आ चुकी है। अब मैं इसको कुछ दिनों बाद गमले में शिफ्ट करूंगी। इसका बस आपने क्या करना है, जब आप इसको कटिंग को लेकर के आप पानी में रखते हैं तो आप हफ्ते में एक बार इसका पानी चेंज कर दें। अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे तो ये पानी ख़राब हो जाएगा और आपकी ग्रो ये कटिंग जो है अच्छी ये ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने पौधे से कोई एक नीचे से ब्रांच लेनी है और इसको लेकर के आपने उसमें एलोवेरा जेल लगा लेना है और उसको आप पानी में रख दें। बस आप कुछ दिन देखेंगे 20 दिन के अंदर आपके पौधे उसमें से नई रूट निकल आई हैं। अब बात करते हैं इसमें हम कौन सी खाद दें जिससे कि ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आप ये देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अभी नई नई बर्ड्स भी तैयार हो रही हैं। इसमें दोस्तों मैं ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि अगर हम केमिकल खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे कुछ समय तक तो हमारा पौधा ये अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी देगा, पर आप देखेंगे कुछ समय बाद ये पौधा धीरे धीरे हमारा ख़राब होने लग जाएगा। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करती हूँ, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने पौधे में उसी खाद का प्रयोग करें जिससे कि आपके पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये खाद आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी और इसको कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये पौधा ऐसा है जो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है और अगर इसको हम समय समय पर खाद देते रहेंगे तो इसमें और भी अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। ये जो खाद मैंने तैयार करी है ये है प्याज के छिलकों से तैयार करी हुई खाद, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में NPK पाया जाता है। इसको अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जो प्याज के छिलके होते हैं इनको आपने भिगा देना है। भिगा करके आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जब इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो आपने इसका पौधों में अपना प्रयोग करना है। इसको कैसे प्रयोग करना है, इसको आप डायरेक्ट इसको अपने पौधे में ना डालें। जब भी आप अपने पौधों में पानी डालते हैं, जैसे कि आपने 1 लीटर पानी आपने ले लिया है, इसमें आप थोड़ी मात्रा ये जो प्याज के छिलकों से जो तैयार हुआ है हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र इसको भी आप डालें। इसमें भरपूर मात्रा में NPK होता है, ये मैंने आपको बताया है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप जब भी अपने पौधों में ये पानी डालेंगे तो आप इसमें थोड़ा ये पानी प्याज के छिलकों का पानी भी मिला लेंगे तो आपके पौधों के लिए अच्छी खाद तैयार होगी और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। बस आपने ध्यान देना है जब भी आप इसको डालें पानी को, आपके पौधे में बहुत अधिक पानी नहीं होना चाहिए। उसी समय आप पौधे में पानी डालें जब आपके पौधे में की मिट्टी जो है लगभग सूख चुकी है, ताकि जो है आपका पौधे में पानी की मात्रा भी अधिक नहीं होगी और आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और आप देखेंगे ये सालों साल आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।